हमारे यहाँ शास्त्र को नियम है, वंश वृद्धि करो वंशः तज्ज्वलन पितृदोष कृत न तस्य ज्वलनम कार्यम इति शास्त्रेषु सम्मतम। कि भैया किसी को अपने वंश की वृद्धि करनी हो, जो हमारे यहाँ स्कंद पुराण पद्म पुराण के अंदर जहां जहां पर इस बात की चर्चा है कि वृक्षों की चर्चा है कि वृक्षों की उपासनाएं कैसे करी जाती है और किस वृक्ष की उपासना करके क्या चीज की प्राप्ति होती है। तो कहा है किसी को अपने यहां पर वंश वृद्धि करनी हो, अपने कुल का विस्तार करना हो, वह बांस की उपासना करे, बांस के वृक्ष की उपासना करे और अगर उसे जलाए दियो तो उसे पितृदोष लग जाता है। आप विशेषतः ऐसा देखो, आज भी प्राचीन जितने भी मंदिर हैं वहां पर अगरबत्ती से कोई भी भगवान की धूप आरती नहीं करी जाती है। हम तो अपने घरों में अगरबत्ती लीनी वैसे आरती करने की शुरुआत कर दी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगरबत्ती में जो लकड़ी लगी होती है प्रायः वह बांस होता है, बांस को जलाए दियो तो पितृदोष लग जाएगा।